टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को सरसों एवं सोयाबीन तिलहन में सुधार देखने को मिला, जबकि सामान्य कारोबार के बीच सरसों, सोयाबीन और बिनौला तेल तथा पामोलिन मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। दूसरी ओर महंगे दाम पर मांग प्रभावित होने से सीपीओ तेल की कीमत में गिरावट आई। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 3% की तेजी रही थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में कारोबार का रुख सामान्य ही देखने को मिल रहा था। सूत्रों का कहना है कि मंडियों में सरसों की आवक थोड़ी कम हुई है और इससे सरसों तिलहन के भाव में कुछ सुधार आया है, जबकि सोयाबीन की भी मांग थी जिसके कारण सोयाबीन तिलहन के भाव भी सुधार के साथ बंद हुए थे। पाम तेल और पामोलिन तेल के भाव आसमान छू रहे हैं, जबकि लिवाल नदारत है। हालत ये है कि देशी तेल उनसे भी सस्ते हो चले हैं। ऐसे में महंगे दाम पर आयातित तेलों की मांग प्रभावित होने से सीपीओ तेल की कीमत में गिरावट आई है और बाकी तेल तिलहन पूर्व स्तर पर बने रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जब देश को अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से आयात पर निर्भर होना पड़ता है तो कई बार असामान्य स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है और ऐन मौके के वक्त दूसरे देशों पर निर्भर ही रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारत को निरंतर तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी हम आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। आड़े वक्त में हमारे अपने संसाधन ही हमारी मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।